पश्चिम बंगाल में जारी सियासी जंग में आज बीजेपी की नई मोर्चेबंदी। कोलकाता में पुलिस मुख्यालय की घेराव की तैयारी। बीजेपी के लालबाजार अभियान के लिए जुट रहे हैं कार्यकर्ता, हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता के लालबाजार इलाके में पुलिस मुख्यालय में बीजेपी के मार्च को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। कोलकाता पुलिस के लिए ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती, पूरे रूट पर होगी तैनाती। हावड़ा और सियालदह में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, सुबह 11 बजे से मार्च। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का ममता बैनर्जी पर बड़ा हमला, मुख्यमंत्री खुद उकसा रही है हिंसा। बाबुल सुप्रियो ने कहा संवेदनीय हिंसा के आरोपियों का मिला रोहिंग्या कनेक्शन। बर्धमान में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प, एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत, 3 घायल। बर्धमान में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर पर बमों से हमला, घटनास्थल से एक ताजा बम भी बरामद। हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, टायर जलाकर प्रदर्शन। बंगाल में हिंसा को लेकर सुलग रही सियासत, बीजेपी का आरोप गुंडे हैं सारे के सारे टीएमसी कार्यकर्ता। ममता बैनर्जी ने बीजेपी पर लगाया बंगाल को तबाह करने का आरोप, कहा गुजरात बनाना चाहते मोदी और शाह। ममता बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर लगाया गलत बयानी करने का आरोप, मौत का आंकड़ा ज्यादा बताने पर बिफरी ममता। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बनेगा राम मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान। 15 सितंबर को होगी शिलान्यास, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब छात्र छात्राओं के लिए वजीफे की स्कीम। 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगा फायदा, शिक्षा रोजगार और सशक्तिकरण है मकसद। मदरसों के शिक्षकों के लिए मोदी सरकार की नई योजना, आधुनिक ज्ञान विज्ञान और शिक्षा पद्धति के वैज्ञानिक तौर तरीकों की दी जाएगी ट्रेनिंग। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरुआत। नई स्कीम के लिए केंद्र बजट में अलग से प्रावधान, योजना पर अमल में तेजी लाने पर जोर। स्कूल जोड़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स का इंतजाम, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक लड़कियों को फ्री कोचिंग। 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की घोषणा से संत समाज नाराज। अल्पसंख्यक की पूछी परिभाषा, संत समाज ने रखी 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। संतों की मांग को मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया जवाब, कहा केंद्र सरकार तय नहीं करती अल्पसंख्यक दर्जा। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोदी सरकार की पहल का स्वागत किया, सबका विश्वास के नारे से बढ़ा मुसलमानों का मनोबल। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल की बैठक, 3 तलाक पर नए सिरे से बिल लाने पर हो सकता विचार। आज मंत्रिपरिषद की भी बैठक, पीएम ने हर मंत्रालय से मांगा है 100 दिनों का रोड मैप और 1 साल का एजेंडा। भूपेंद्र मिश्रा अगले 5 साल तक रहेंगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट मंत्री का मिला दर्जा। आज रायबरेली के दौरे पर है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, लोकसभा चुनावों में बड़ी हार के बाद पहली यात्रा। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी हार गए उम्मीदवारों के साथ करेंगी चर्चा, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से मुलाकात। 9 दिन बाद मिला लापता AN-32 विमान का सुराग, सर्च ऑपरेशन में वेस्ट सियाक के पास मलबा मिलने की पुष्टि। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से ढूंढा गया AN-32 का मलबा, तैरूत से 16 किलोमीटर उत्तर में दिखे गए विमान के टुकड़े। विमान में सवार पलवल के रहने वाले आशीष तंवर के परिजनों को उम्मीद सुरक्षित वापस लौटेंगे। 13 लोग बलिया के रहने वाले एमएन सूरज सिंह के पिता को इंतजार, वापस लौट कर आएगा उनका बेटा। सोनीपत के 22 साल के पंकज का परिवार कर रहा है प्रार्थना, अनहोनी की आशंका से मायूसी। नासिक से तीर्थयात्रियों को ले जा रही डबल डेकर बस विदुषा के पास पलटी, 3 की मौत। यूपी के शामली में प्राइवेट चैनल के एक रिपोर्टर की पिटाई, ट्रेनों में चल रहे अवैध वेंडरों की चलाई थी खबर। खबर चलने के बाद जीआरपी पुलिस को झेलना पड़ा था अधिकारियों का गुस्सा, बदला लेने के लिए पत्रकार को किया हवालात में बंद। मालगाड़ी पटरी से उतरने की कवरेज करने गया था रिपोर्टर और इसी दौरान कैमरा छीन कर की गई मारपीट। यूपी के रामपुर में पकड़ा गया फर्जी सीआईडी ऑफिसर, अवैध वसूली का आरोप। नोएडा के शिव शक्ति अपार्टमेंट के पार्क में 2 बच्चों पर मधुमक्खियों का हमला, एक बच्चे को अस्पताल जाने से पहले ही मौत, दूसरे बच्चे की हालत नाजुक, गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर आए थे बच्चे। यूपी के देवपुर में रेप पीड़ित 6 महीने से लगा रही है इंसाफ की गुहार, आत्मघात की धमकी दी। यूपी के सहारनपुर में 50 लाख की चोरी का खुलासा, 4 गिरफ्तार, 41 लाख रुपए बरामद। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मोबाइल की दुकान में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। तूफान वायु को लेकर हाई अलर्ट पर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में तैनात की गई एनडीआरएफ की टीमें। 13 जून को सुबह गुजरात के तट से टकरा सकता है तूफान, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं।
300 मीटर ऊंची उठ सकती है समंदर की लहरें, मछुआरों के लिए जारी की गई चेतावनी। चक्रवाती तूफान के दायरे में आने वाले गुजरात के 10 जिलों में अलर्ट, 13 और 14 जून को बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। साइक्लोन से पहले वापी में तेज हवाएं, कुछ इलाकों में बारिश। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।